जिस जंगल में बंटी बंदर रहता था वहाँ एक छोटी सी नदी भी थी। गर्मी के दिनों में उसमें बहुत कम पानी रह जाता था। जब वो हाथी को सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालना बहुत अच्छा लगता था। अधिक गर्मी होने पर जंबो नदी के कम पानी में लोट भी लगाने लगता था। उसके इस खिलवाड़ से पानी गंदा हो जाता था। बंटी नदी में प्रतिदिन नहाता था। गंदा पानी देखकर बंटी को जंबो पर बड़ा गुस्सा आता। जंबो, गर्मी में तुम नदी का पानी गंदा कर देते हो। मैं गंदे पानी में नहीं नहा सकता, बंटी एक दिन बोला। बंटी, कुछ ऐसा उपाय करो कि नदी में पानी अधिक हो जाए ताकि मेरा नहाना भी हो जाए और पानी भी गंदा ना हो। जंबो ने उत्तर दिया। नदी में पानी कैसे अधिक किया जाए, बंटी ने पूछा। यह तुम टुल्लू कौवे से पूछो। वह सारी दुनिया में उड़ता फिरता है। वह कोई ना कोई तरकीब तो बता ही देगा, जंबो बोला। बंटी को मालूम था कि टुल्लू कौवा बड़ा लालची है। इसी कारण वह अगले दिन फल लेकर टुल्लू के पास पहुंचा। लो टुल्लू, मैं तुम्हारे लिए रसीले फल लेकर आया हूँ, बंटी ने खुशामद करते हुए कहा। टुल्लू सारे फल अपने घोंसले में रखते हुए बोला। यार बंटी, तुम ऐसे ही फल लाकर मुझे दिया करो। मैं तो तुम्हें अपने बगीचे में बुला कर रख लूं, पर करूं क्या, नदी में पानी बहुत कम है। यदि पानी का इंतजाम हो जाए तो बगीचे में फलों के पेड़ लगा दूं। तुम कोई तरकीब बताओ ताकि गर्मी में भी नदी में खूब पानी रहे, बंटी ने कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नदी पर पत्थरों का बांध बना लो, पानी रुका रहेगा, टुल्लू ने कहा। पर बांध बनता कैसे है, बंटी ने पूछा। बड़े बड़े पत्थर तोड़ लाओ और उन्हें नदी में डाल दो। पर हाँ, पत्थरों को सीमेंट से जोड़ना पड़ेगा, टुल्लू ने बताया। शाम को सब जानवर कहानी सुनने के लिए लोमड़ी मौसी के यहाँ जमा होते थे। बंटी ने वहाँ सबको बांध की योजना बताई। पत्थर मैं काट दूंगा, बन्नी भालू बोला। पत्थर खींच कर हम ले आएंगे, हिनू ने कहा। मैं सूंड से उठाकर उन्हें नदी में जमा दूंगा, जंबो ने कहा। मैं शहर जाकर दुकानदार को शहद दूंगा और वह मुझे सीमेंट देगा, बन्नी ने कहा। तुम्हें शहद हम दे देंगे, मधुमक्खियाँ बोली। दूसरे दिन बन्नी शहद की हांडी लेकर शहर गया। उसके साथ चेतक घोड़ा भी गया। शाम तक शहर से 4 बोरे सीमेंट चेतक के पीठ पर रखवा कर बन्नी वापस आ गया। इस प्रकार रोज 4 बोरी सीमेंट लाता रहा। 15 दिन में उनके पास 60 बोरी सीमेंट हो गया। अब बन्नी भालू, टॉमी कुत्ता, रंगा सियार और भीषण शेर रोज पहाड़ी पर जाकर पत्थर काटने लगे। हिरन पत्थरों को खींचकर नदी किनारे लाने लगे। जंबो उन पत्थरों को उठा उठा कर नदी में जमाने लगा। सारे पक्षी सीमेंट लगाने में जुट गए। इस तरह एक महीने में बांध बनकर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में नदी में लबालब पानी भर गया। तब बंटी ने फलों का बगीचा लगा लिया और जंबो भी मजे से नहाने लगा।